Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक HPLC का क्या प्रिंसिपल होता है और किस किस इंडस्ट्री में ये यूज होती है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. HPLC क्या होती है? HPLC is a high performance liquid chromatography. ये टेक्निक यूज की जाती है कंपोनेंट मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई करने के लिए. अगर मेरे पास सपोज कोई मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जिसमें तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से सिर्फ एक कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोटीन कंपोनेंट को मैंने सिर्फ सेपरेट किया है, तो कंपोनेंट को सेपरेट किया, आइडेंटिफाई किया कि ये सिर्फ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और उसको क्वांटिफाई किया कि ये इतने ग्राम्स में या इतने अमाउंट में सैंपल में प्रेजेंट है, तो उसको क्वांटिफाई किया कि इतने अमाउंट में सैंपल में प्रेजेंट है. तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो होती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी. और ये टाइप होता है एक लिक्विड क्रोमैटोग्राफी का. लिक्विड क्रोमैटोग्राफी में क्या करते हैं, जो मोबाइल फेज यूज़ होता है वो लिक्विड होता है, वो मोबाइल फेज लिक्विड होता है यहाँ पर, इसलिए इसको हम लिक्विड क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं. और हाई परफॉर्मेंस इसलिए क्योंकि हाई परफॉर्मेंस क्या, रिजोल्यूशन पावर जो होता है एचपीएलसी का वो बहुत अच्छा होता है. रिजोल्यूशन पावर मीन्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कॉम्पोनेंट्स, ये अलग अलग कॉम्पोनेंट्स थे तो ये बहुत ही अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, इसका रिजोल्यूशन अच्छा रहता है, तो इसलिए ये टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है लैब्स में. और एचपीएलसी जो करती है प्यूरीफाई करती है कंपोनेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी. पोलैरिटी के बेसिस पर प्यूरिफिकेशन होता है. और पोलैरिटी होती है कि टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू लाइक और डिसलाइक वाटर. अगर मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल्स का मीनिंग कि वो वाटर लविंग है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मीन्स जो वाटर को वाटर लविंग नहीं है उसको हम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उस तरह के कंपोनेंट्स को हाइड्रोफोबिक. तो पोलर हुआ हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर हुआ हाइड्रोफोबिक. तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एचपीएलसी कंपोनेंट्स को प्यूरीफाई करती है. तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एचपीएलसी के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और इसका प्रिंसिपल क्या होता है. सबसे पहले स्टेशनरी फेज क्या होता है. स्टेशनरी फेज अगर एचपीएलसी का इंस्ट्रूमेंटेशन देखे तो एचपीएलसी में एक कॉलम होता है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. उस कॉलम के अंदर एक सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल फिल्ड रहता है जो कि प्रॉपरली पैक्ड रहता है, सॉलिड एब्जॉर्बेंट. इस ट्यूब के अंदर जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल रहता है वो प्रॉपरली पैक्ड रहता है. उसका पैक्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो सके. तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है सिलिका मॉलिक्यूल्स. और सिलिका ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, लेकिन लैब्स में आजकल बहुत ज़्यादा रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी यूज़ की जाती है. जहाँ पर सिलिका हाइड्रोफोबिक होता है वहाँ क्या करते हैं, सिलिका को मॉडिफाई कर दिया जाता है, कार्बन चेन अटैच कर दी जाती है C18. तो सिलिका C18 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल है. तो ये जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल कॉलम के अंदर फिल्ड है ये होता है स्टेशनरी फेज. इसके थ्रू हमारा सैंपल और मोबाइल फेज पास करते हैं. दूसरा होता है सैंपल. सैंपल क्या क्या चूज़ कर सकते हैं एचपीएलसी के लिए. सैंपल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड से कोई कंपोनेंट को प्योरीफाई करना है, या फिर बैक्टीरियल टॉक्सिन या फंगाई टॉक्सिन या प्लांट का कोई मटेरियल, कुछ भी कंपोनेंट हो सकता है जो कि प्योरीफिकेशन जिसका हमें करना है. तो सैंपल होगा कुछ भी. थर्ड हुआ मोबाइल फेज. थर्ड होता है मोबाइल फेज. मोबाइल फेज लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसमें, अगर हम इस क्रोमैटोग्राफी का बात करें एचपीएलसी में, इसमें मोबाइल फेज में लगभग 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्स्ड रहता है. तो ये मोबाइल फेज हुआ हाइड्रोफिलिक.
क्योंकि यहाँ वाटर का कंटेंट ज़्यादा है और ये हुआ सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो था वो हाइड्रोफोबिक। अब विद द हेल्प ऑफ पंप ये मोबाइल फेस कॉलम के ऊपर रन करेगा, साथ ही साथ सैंपल भी इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो सैंपल मोबाइल फेस के साथ मिक्स होता है और कॉलम के ऊपर पास होता है। तो अगर सैंपल कॉलम के ऊपर पास है, सपोज ये सैंपल के मॉलिक्यूल्स जो कॉलम से पास हो रहे हैं, तो क्योंकि हमारे कॉलम का नेचर है ये हाइड्रोफोबिक है और सैंपल कुछ भी नेचर का हो सकता है, लेकिन मोबाइल फेस जो है वो हाइड्रोफिलिक है, तो जो भी सैंपल के अंदर जो हाइड्रोफिलिक कॉम्पोनेंट्स थे वो मोबाइल फेस के साथ मिक्स होंगे और सबसे पहले वो पास आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो पास आउट आए कॉलम से जो इल्यूट आया वो आएगा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक क्योंकि जो स्टेशनरी फेज है वो हाइड्रोफोबिक है, तो जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होंगे वो इसके साथ कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, वो ईजिली पास आउट हो जाएंगे। तो पहला जो कंपोनेंट पास आउट होंगे कॉलम से वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स पास आउट होते हैं, नेक्स्ट डिवाइस जो अटैच होती है कॉलम के साथ वो डिटेक्टर होती है। डिटेक्टर के पास ही हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं, डिटेक्टर सिग्नल सेंड कर देता है सिस्टम के पास। इनिशियल स्टेज में जब सैंपल कुछ भी रन नहीं किया था कॉलम के ऊपर, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जब सिर्फ बफर पास करते हैं कॉलम के ऊपर, इक्लुब्रेट करते हैं कॉलम को, सबसे पहला स्टेप लैब में होता है इक्लुब्रेशन। इक्लुब्रेशन में सिर्फ सैंपल पास नहीं किया, सिर्फ बफर पास करते हैं। उससे क्या होता है, जब बफर पास करेंगे तो हमारे डिटेक्टर सेम वही डिटेक्ट करेगा जो भी कॉलम से बाहर आएगा मटीरियल, और सिस्टम पर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन डेवलप होती है। उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन कब डेवलप हुई, जब सिर्फ सबसे पहला स्टेप जब सिर्फ और सिर्फ बफर पास किया कॉलम के ऊपर, कॉलम का इक्लुब्रेशन किया, कॉलम को रेडी किया प्यूरिफिकेशन के लिए। सेकंड हमने क्या किया था, सैंपल को मोबाइल फेस के साथ लोड किया। तो अभी हमारा बेस लाइन ऑलरेडी सिस्टम पर है, अभी सैंपल और मोबाइल फेस को जब कॉलम के ऊपर लोड किया और डिटेक्टर पे हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स डिटेक्ट हुए, तो यहाँ एक पीक डेवलप होगी। तो ये जो पीक डेवलप हुई ये पीक होगी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि वो सबसे पहले आए। तो ये तो डिटेक्टर ने सिग्नल सिस्टम को भेजा, साथ ही साथ डिटेक्टर के साथ एक नेक्स्ट अटैच होती है कलेक्टिंग ट्यूब। तो जो कलेक्टिंग ट्यूब में फर्स्ट मटेरियल जो इल्यूट आया निकल के कॉलम से बाहर, वो होंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे सैंपल में वो तो बॉन्ड फॉर्म कर चुके होंगे रेजिन के साथ, क्योंकि रेजिन भी सेम नेचर का है हाइड्रोफोबिक नेचर का। तो सपोज अगर ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये रेजिन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, अब इस बॉन्ड को किस तरह से ब्रेक किया जाए, इसकी वजह से ये बहुत ही स्लो मूव करते हैं कॉलम से पास होने के लिए। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि मोबाइल फेज में, फर्स्ट फेज में क्या था कि वाटर का कंटेंट 90% था जो कि ज़्यादा था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट 10% लिया जो कि कम था। धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ता रहता है, स्टेप बढ़ता रहता है एचपीएलसी का, तो वाटर का कंटेंट धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं जो कि लगभग 10% तक हो जाता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे मोबाइल फेज की पोलैरिटी चेंज होती रहती है। अब मोबाइल फेज नॉन पोलर हो गया, तो नॉन पोलर मोबाइल फेज होने की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ स्टेशनरी फेज के साथ मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल से जो बॉन्ड फॉर्म किए हुए थे वो धीरे धीरे इल्यूट होने लगते हैं और वो कॉलम से पास आउट होते हैं। और सेम जैसे ही वो पास आउट होंगे, तो पास आउट होने के बाद डिटेक्टर पर डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा और सिस्टम के पास वापस से पीक जनरेट होगी। तो यहाँ पर और सेम दूसरा कोई कलेक्टिंग ट्यूब में वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो जो दूसरा पीक फर्स्ट पीक जनरेट हुआ वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का जनरेट हुआ, क्योंकि स्टेशनरी फेज हाइड्रोफोबिक था, इसने उनको मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं किया, वो ईजिली पास आउट हो गए। और जो लास्ट पीक अपने सिस्टम पर डेवलप हुआ वो था हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का। और ये जो ग्राफ डेवलप होता है इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम के एक्स एक्सिस पर होता है रिटेंशन टाइम और वाई एक्सिस पर होता है कॉन्सेंट्रेशन या एब्जॉर्बेंस। तो यहां जो पीक आया बेसलाइन एंड देन पीक, बेसलाइन और पीक,
तो ये जो रिटेंशन टाइम बोलते हैं कि कंपोनेंट कितने टाइम तक कॉलम के अंदर स्टे किया, उसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम। तो इस बेसिस पर एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि पीक का कितना एरिया है, और उससे हमें पता चल जाता है कि कंपोनेंट का जो यहाँ से प्योरीफाई किए गए हैं वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट थे। पीक का एरिया कैलकुलेट करने से वो आइडिया हो जाता है। तो ये हुआ हमारा क्रोमैटोग्राम किस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं। और नॉर्मल कॉलम क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, ये जो प्योरिफिकेशन होता है, जो कॉलम से मॉलिक्यूल पास होते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। लेकिन यहाँ क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, कॉलम के ऊपर मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए एक हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इसलिए HPLC को हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं क्योंकि हाई प्रेशर अप्लाई किया कॉलम को पास करने के लिए। क्योंकि यहाँ जो सिलिका यूज़ कर रहे हैं हम, मॉडिफाइड सिलिका, वो बहुत स्मॉल इन साइज़ होता है, तो उसके लिए प्रॉपर प्योरिफिकेशन के लिए हाई प्रेशर यहाँ कॉलम पर डाला जाता है। ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये था हमारा रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी। रिवर्स फेज इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो पहले लैब में टेक्निक यूज़ की जाती थी वो थी नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी, जिसमें मोबाइल फेज हाइड्रोफोबिक यूज़ करते थे और स्टेशनरी फेज हाइड्रोफिलिक यूज़ करते हैं। तो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का जस्ट अपोजिट करके रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी डेवलप किया गया, इसलिए इसको रिवर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मोबाइल फेज हाइड्रोफोबिक की जगह हाइड्रोफिलिक और स्टेशनरी फेज हाइड्रोफिलिक की जगह हाइड्रोफोबिक, जस्ट रिवर्स ऑफ नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी। तो ये रिवर्स फेज आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है एनालिटिकल पर्पज़ के लिए लैब में, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल अवेलेबल है, वाटर सॉल्युबल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो मोबाइल फेज रिवर्स फेज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और ये जो HPLC क्रोमैटोग्राफी है ये हर तरह की इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, फार्मा इंडस्ट्री, आयुर्वेदा इंडस्ट्री, फूड टेक इंडस्ट्री, बायोटेक इंडस्ट्री, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में HPLC यूज़ की जाती है। अगर ये मैंने जो क्लियर किया है, अगर आपको यहाँ कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।